चुप हो जा राजा बेटो, ओए ओए ओए, हाँ, चुप हो जा, ये देखो, क्या कर रहे थे जीवन काका? क्या हुआ जीवन काका? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। वो मुन्ना रो रहा था ना, तो उसे चुप करा रहा था, तो देखा अलमारी खुली पड़ी है, वही बंद कर रहा था। देखो बेटा, रिंकू भाभी से मत बताना, नहीं तो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगी, है ना? गुड बॉय हो ना मुन्ना, मत रोना। एकांची, क्या कर रही है मेरे बेटे के पास? चुप। कितनी बार बोला मेरे बेटे के पास मत आया कर, फिर भी मुंह उठाकर चली आती है। अब बिटर बिटर क्या देख रही है? जा यस भाग। चुप। कांची, क्या हुआ, रो क्यों रही है? आपको नहीं लगता कि आपको कांची के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था? मैं देख रहा हूं तुम्हें अपने बच्चे से ज्यादा इसकी फिक्र है। कांची, रोती नहीं है बेटा, खाना खाने का टाइम हो गया, और आपको पता है मैंने आपके लिए आपकी फेवरेट खीर बनाई है, दोनों साथ में मिलके खाते, ठीक है? चलो मेरे साथ आ जाओ। चाची, चाची, मेरी खीर लाओ ना, मुझे भूख लगी है। कांची बेटा, बेटा आप अभी खाना नहीं खा सकते, आपको पता है ना पापा और दादाजी कितना नाराज होंगे। आप चलो हमारे साथ किचन में चलो। मम्मी प्लीज खाने दो ना। नहीं कांची बेटा, ओफो बेटा, आप समझने की कोशिश करो, तुम जानती हो ना सबको। चलो मम्मी प्लीज, चाची ने मेरे लिए बनाया है ना चाची। अच्छा ठीक है, तुम चलो किचन में खाना, चलो। मीरा, कोई बात नहीं, कांची आज इन लोगों के साथ ही खा लेगी। पर बड़ी भाभी, सब लोग। मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा। भाई की चेयर से तो खड़ी हो, वो देखेगा तो आसमान सर पे उठा देगा। तू चल जाके वहां पे जाके बैठ चेयर पे, जल्दी से बदल सीट। खाने के टेबल पे क्या कर रही है? जाके अपनी मम्मी, ताई और चाची का हाथ नहीं बढ़ा सकती तू? पापा, मुझे भूख लगी थी इसीलिए। अपनी भूख को काबू में रखना सीखो। टेबल पे दाल नहीं दिखाई दे रही है, जाओ दाल लेके आओ। ठीक है दादाजी। पापा, वो असाइनमेंट का ऑर्डर 2 दिन में आ जाएगा। बिजनेस की बातें खाने के समय नहीं होनी चाहिए, मैंने तुम्हें कई बार पहले भी समझाया है। जी दादाजी। खड़ी खड़ी देख क्या रही है? दाल परोस।
एक काम तुझसे ढंग से नहीं होता है, बिल्कुल निकम्मी है तू। देवर जी, बेचारी बच्ची तो है। बच्ची है क्या? बच्ची बच्ची बोल के तुम लोगों ने उसे सर पे चढ़ा रखा है। और तुम, कितनी बार तुम्हें बोला कि इसे मेरी आंखों से दूर रखा करो, सारा खाने का मूड ही खराब कर दिया। मैं भी नहीं खाऊंगा। अब खाना ठूस ठूस के खिलाओ इसे। ये जहां भी रहते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ करती है। आप लोगों ने तो कुछ खाया ही नहीं, कुछ तो खा लीजिए। इस कांची की वजह से हमारा पेट वैसे ही भर गया। ठीक है शांति, बड़ी बहू हम सबके बिस्तर छत पे लगवा देना, घर के सारे मर्द वहीं पे सोएंगे। बिजनेस को लेकर कुछ जरूरी बातें करनी है। पिताजी आप समझ नहीं रहे, हमारा बिजनेस घाटे में चल रहा है। अब ऐसा क्यों नहीं करते कि इस पूरे बिजनेस को किसी को बेच दीजिए और जो भी पैसा आएगा हमें बांट दीजिए, हम अपना अलग अलग कारोबार खोल लेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। देखो आज नहीं तो कल इस बिजनेस में फायदा होगा। तुम और रुद्र क्यों चाहते हो कि हमारा ये पुश्तैनी बिजनेस बिक जाए? क्यों? वो इसलिए कि हम दोनों की हैसियत एक कपड़े की दुकान पे कपड़ा बेचने वाले सेल्समैन की तरह हो गई है। अरे पूरे बिजनेस पे तुम दोनों ने कब्जा कर रखा है। चाचा जी आप साफ साफ क्यों नहीं कहना चाहते कि आप कंप्यूटर का बिजनेस करना चाहते हैं? हाँ तो इसमें गलत क्या है? पैसा डुबा देंगे आप, कंप्यूटर की ABCD भी आती है आपको। अपने उछल कूद के वजह से आपने काफी पैसा डुबाया है। आर्यन जुबान संभाल के बात कर, नहीं तो क्या करोगे? ये सब क्या देख रहा हूँ मैं? ये देखने के लिए इस परिवार में जिंदा हूँ क्या? तुम लोग किस लिए आई हो यहाँ? क्या काम है तुम्हारा? जाओ यहाँ से। तुम लोग कैसे जानवरों की तरह आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हो? तुम लोग शायद भूल गए हो, इस घर में फैसला मैं लेता हूँ, सिर्फ मैं। और क्या फैसला लेना है ये मैं बता दूंगा तुम लोगों को। तो पिताजी आप कोई ऐसा फैसला क्यों नहीं लेते जिससे हर कोई खुश रहे? कल कहीं ऐसी नौबत ना आ जाए कि सारा बिजनेस बेचने के बाद में भी सारा पैसा जो भी आए वो उधार चुकता करने में चले जाए। ठीक है ठीक है, मैं सोचता हूँ, सोच के बता दूंगा क्या करना है। चलो सब लोग। क्या कर रही तू? अच्छा तो आप कांची हैं? हम्म, कांची बेटा मैं अभिजीत अंकल, इधर आइए आपसे कुछ बात करनी है। आप माँ हैं कांची की? जी मैं कांची की चाची हूँ। मैं माँ हूँ कांची की। आइए इधर आइए बेटा, डरिए मत, हम लोग आपके दोस्त हैं। कांची बेटा सर के पास आओ, जाओ।
आइए यहां बैठिए। वेरी गुड, शांत हो जाओ बेटा। बताओ कांची, कल रात क्या हुआ था? कल रात मैं ऊपर गई थी। ऊपर कहां पे? छत पे। अच्छा, तो जब आप छत पे गई थी तो आपके हाथ पे कुछ था या ऐसे ही गई थी ऊपर? अच्छा छोड़ो, बाप फिर क्या हुआ वहां पे, क्या क्या देखा आपने? सब सो रहे थे। कौन 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 सो रहा था? दादाजी, पापा, बड़े पापा, रुद्र चाचा और आर्यन भैया। फिर क्या हुआ? आपने मारा है? ये मत करो, चोट लग जाएगी बेटा। हैं, रोते नहीं हैं, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अभी आप जाओ अपनी मम्मी पास। आओ चलो। बच्ची को छत पे सबसे पहले किसने देखा था? जी मैंने। रात को कुछ आवाज हुई और मेरी नींद खुल गई। तुम्हारा बेटा नहीं है? जी सर। वहां बॉडी के पास क्या कर रहा था? तुम्हारा झगड़ा हुआ था ऋषभ या रुद्रा के साथ? हाँ जी सर, रुद्र चाचा से। जी हाँ सर, दोनों में थोड़ी सी कहा सुनी हुई थी और जब मैंने इन दोनों को समझाया तो तुरंत सुलह हो गई थी इन लोगों में। गजेंद्र जी, जितनी आसानी से आप हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बात उतनी आसान है नहीं। काफी कुछ गड़बड़ चल रही है आपके परिवार में। कपड़ों का बिजनेस है आपका? जी हाँ, मेरे दादाजी ने यह बिजनेस शुरू किया था। अब मेरे तीनों बेटे और मेरा पोता आर्यन, ये सब मिलकर इस बिजनेस को संभाल रहे थे। अब ये ऋषभ और रुद्रा का हिस्सा किसको मिलने वाला है? जी वो मेरे बेटे ऋषभ के इस बेटे जीतू को और रुद्रा के बेटे मुन्ना को। और ये कांची? जी वो कांची को क्यों नहीं, ये भी तो बेटी है ना ऋषभ की। हमारे खानदान में लड़कियों को जायदाद पे हिस्सा नहीं दिया जाता है, उनका कोई अधिकार ही नहीं बनता खानदान के जायदाद पे। क्या बकवास कर रहे हो तुम, हैं? क्या सिखाया आपने? भारतीय संविधान के मुताबिक लड़की का भी परिवार की संपत्ति और पुश्तैनी जायदाद पे बराबर का हिस्सा होता है, उसको भी उतना मिलेगा जितना तुम्हें मिलेगा, समझे तुम? और कौन कौन है आप लोगों के परिवार में? जी एक नौकर है। कौन है? नौकर दिख नहीं रहा। वो सर आज सुबह से कहीं गायब है, पता नहीं। कल रात के खाने के समय भी वो नहीं था, न जाने कहां चला गया। कांची बेटा जरा इधर आना। आप जीवन को क्या कह के बुलाती थी?
जीवन काका। जीवन काका, वेरी गुड। आपने जीवन काका को देखा था? कहाँ कहाँ पे देखा आपने? छोटे चाचा और चाची के बेडरूम में। क्या कर रहे थे वहाँ पे जीवन काका? मुझे देख के कबाट का दरवाजा बंद कर दिया और मुझे कहा कि रिंकू भाभी को मत बताना। काची, ये बात सबसे पहले हमें बतानी चाहिए थी। उसने कहा और तूने मान लिया? तूने एक मिनट गजेंद्र जी, चुप रहिए आप। हम देख रहे हैं मामला क्या है। आप जरा अपना कमरा दिखाइए। आप इस बच्चे को जरा बाहर ले जाइए, शोर शराबे में उठ जाएगा। जी सर। बड़ी भाभी, मुन्ना को लेके जाइए भाभी। अरे आप ही ले जाइए ना। जी वो मैम, भाभी आती होंगी, मैं आवाज लगाती हूँ। भाभी जल्दी आइए भाभी। अरे मुन्ना, रोते नहीं बेटा। आप देख लीजिए अपना कबर्ड, कुछ गायब तो नहीं है? भूमि, एक एक सामान चेक कर लो। नहीं मैम, कुछ भी गायब नहीं हुआ। इसमें? नहीं मैम, सब कुछ है इसमें। सब ठीक है जी। पायल? इतनी छोटी बच्चे की पायल? छोटी बच्ची तो घर में देख नहीं रही, किसकी है ये? पता नहीं सर, मैं भी पहली बार देख रही हूँ, पता नहीं कहाँ से आ गई इसमें। वो कांची बोल रही थी ना, जीवन कबर्ड के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। जीवन के घर में कोई बच्चा है? नहीं सर, जीवन की तो अभी तक शादी नहीं हुई। और सर, जीवन का कुछ पता भी नहीं है सुबह से। कहाँ रहता है ये जीवन? सर ये है जीवन का घर। जीवन भी घर से गायब है, ये कुछ गड़बड़ लगता है मुझे। कहाँ भाग गया ये? ताला लगा के। घर की तलाशी लेते हैं, ताला खोलो। तो चेक करो। सर जीवन की तो शादी भी नहीं हुई, तो फिर ये बच्चों की पायल इतनी संभाल के क्यों रखेगा? और ये देखिए, छोटे छोटे डिब्बों पे नंबर लिखे हुए, 1, 2, 3, 4। ऐसे ही पायल रिंकू के कबर से मिला था जिसपे 5 नंबर लिखा हुआ था। ये बात तो पक्की है, ये पायल जीवन ने रखी थी कबर्ट में। आखिर क्या चक्कर हो सकता है इन बच्चों की पायल का? इन पायल का कुछ न कुछ संबंध तो है गजेंद्र के घर से। सर बॉडीज फॉरेंसिक पहुंच गई। ठीक है,
निखिल सो कांची को साथ में ले लो। सर अब काफी मासूम बच्ची है, रिमांड होम भेजना ठीक रहेगा? सर सर मैं कांची को कुछ दिनों के लिए अपने पास रख सकती हूँ, प्लीज सर। यही ठीक रहेगा। अच्छी बेटा आप सीआईडी आंटी के घर जाएंगी? जी जी। ये क्या कह रहे हैं आप, मेरी बेटी मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी वो। हाँ इतनी छोटी सी लड़की हम लोग को छोड़कर दूसरी जगह कैसे रहेगी? देखिए हम कांची को यहाँ छोड़ नहीं सकते हैं। आप लोग यकीन रखिए हम इसका अच्छे से ख्याल रखेंगे, परेशान मत होइए। कांची बेटा पूर्वी आंटी के पास बहुत सारे खिलौने, बहुत प्यार करती है वो बच्चों को, आप जाएंगी? मुझे लगता है किसी ने बहुत प्लानिंग के साथ ही सब कुछ किया। आई डोंट थिंक कोई छोटी सी बच्ची ऐसा सब कुछ कर सकती है। लेकिन डॉक्टर साहब कांची से बार बार पूछने के बाद भी एक बार भी उसने इनकार नहीं किया कि वो छोटी सी बच्ची है विजय, उसमें इतनी ताकत ही नहीं कि ये सब कुछ कर सके। मैंने देखी उसकी फोटो। जब किसी ने इतनी बेरही में से इनके पर वार किया है तो ये दोनों चीखे चिल्लाए क्यों नहीं? ये लोग इसलिए नहीं चिल्लाए क्योंकि इन्होंने जो दूध पिया था उस दूध में नींद की गोलियां मिली हुई थी। स्लीपिंग पिल्स दूध में। इस घर में स्लीपिंग पिल्स कौन लेता है? कौन लेता है नींद की दवाई? सर मैं लेता हूं। दरअसल बिजनेस के टेंशन की वजह से नींद नहीं आती तो डॉक्टर ने रिकमेंड किया था। वैसे आजकल तो एक दो पिल्स से काम नहीं होता सर। इसीलिए आपकी नींद खुल गई और बाकी लोग गहरी नींद में सोते रहे। सर ये क्या कह रहे हैं आप? वही कह रहा हूँ जो हुआ था, सबको नींद की गोलियां दी गई थी। क्या? जी हाँ, इसीलिए खून होते समय रुद्र और ऋषभ की नींद नहीं खुली। आप सब गहरी नींद में सोते रहे और आप पे एक तो गोलियों का असर कम होता है इसलिए आपकी नींद खुल गई। कहाँ रखते हैं आप अपनी नींद की गोलियां? सर वही जहाँ सारी दवाइयां रखी रहती हैं। कहाँ रखते हैं दिखाइए। जी ऐसे खुले हम बाहर नींद की गोलियां रखते हैं ताकि किसी के भी हाथ में लग जाए। हैं सर आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं। हादसा बता के नहीं आता है, हादसे से पहले खुद सतर्क रहना पड़ता है, समझे आप? लेकिन सर हमें ये स्लीपिंग पिल्स दिया किसने था? कांची ने? दूध में मिला के दी गई थी आपको ये गोलियां। कल रात आप लोगों ने दूध पिया था? जी हाँ बिल्कुल। किसने दिया था आपको दूध? जी मेरी मजली बहू मीरा ने। मीरा ने? मीरा कहाँ है? पता नहीं कहाँ चली गई दीदी। ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तो यही थी, इतनी जल्दी कहाँ चली जाएगी? थोड़ा जल्दी चलाइए ना आप। अरे रुको रुको रुको, कहां गया ऑटो? वो जा रहा है, चलो चलो जल्दी उसका पीछा करो, चल भाग। अरे भाभी जी कहाँ जा रहे हो, चलो घर आप। अरे आप कौन? अभी बताते हम कौन, एक एक को जेल नहीं भिजवाया ना, तुम्हारा नाम भी लाजवंती नहीं। अरे भाभी जी हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। ऐसे कैसे माफ कर दे,
पहले तो हमारा रिक्शा रुकवाया, हाथ खींच के बाहर निकाला, होकर भी उतार दिया और माफ कर दे। अरे भाभी जी, मैंने आपको मीरा भाभी समझा, मुझे माफ कर दो, गलती हो गई है। दिन में भी दारू चढ़ा रखे है, अब पुलिस को फोन घुमाते है ना, सारी बदतमीजी निकल जाएगी। मीरा तुम आ गए? हाँ, आओ ना। अब तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? अभी तक तो ठीक, आगे क्या होगा पता नहीं। मीरा ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? क्या बात है मुझे बताओ। आद्री जी कांची मुसीबत में, आप ही उसे बचा सकती हैं। और इस मुसीबत की घड़ी में मुझे सिर्फ आपका ही नाम सूझा, क्योंकि आप एक पढ़ी लिखी औरत के साथ साथ एक बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं। जब काजी और जीतू पैदा हुए थे तब आपने एक महीने तक उनका पूरा ख्याल रखा, मुझे याद है सब कुछ। इसलिए इस ये घबराओ मत, मैं देखती हूँ। आराम से। आप लोग? मीरा जी से मिलना है, सीआईडी से। हम लोग CID से? मैं यहाँ हूँ, आप लोगों को कैसे पता चला? आपका फोन ट्राई करते करते यहाँ तक आ गए। क्या लगा आपको, आपको कोई ढूंढ नहीं पाएगा है? मेरे परिवार के सारे मर्द काची से नफरत करते हैं, उसको के साथ हमेशा सख्ती से पेश आते, क्योंकि वो एक लड़की, कभी प्यार से उसके सर पे हाथ नहीं रखा उन्होंने, वो शब्द प्यार के नहीं गए, हमेशा धुतकारा है उसे। माधुरी जी के हॉस्पिटल में काची इसलिए पैदा हुआ क्योंकि काची और मेरा बेटा जीतू दोनों जुड़वा थे, लेकिन मेरी दूसरी बच्चियों का जन्म उस घटिया झिलमिल नर्सिंग होम में हुआ। दूसरी बच्ची? जिन्हें सांस ही नहीं लेने दी गई। दया, एक्सक्यूज मी, ये डॉक्टर कौशल का कैबिन कहाँ है? ए, हम लोग सीआईडी से, जल्दी बताओ। डॉक्टर कौशल, हम तुमसे कुछ पूछने नहीं आए, तुम्हें ये बताने आया है कि तुमने जो कारस्तानी की है कपड़े के व्यापारी गजेंद्र के लिए, उसका हमें पता चल गया है, और अब तुम जाओगे जेल। डॉक्टर भागते क्यों? सीआईडी से बचना इतना आसान नहीं है, समझे? दिव्या सर, डॉक्टर साहब के कैबिन से सारे रिकॉर्ड्स उठा लो। ओके सर। कैबिन कहाँ है? पकड़ो उसे। कहाँ भाग रहे हो जीवन चाचा? अरे क्या हो क्या गया? क्यों पकड़ रहे हो मुझे? देख रहे थे कि तू कितना भागता है। चल छोड़ो मुझे। छोड़ो, कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? अरे मैंने क्या किया है? क्या किया है? गजेंद्र का नौकर और झिलमिल नर्सिंग होम में वार्ड बॉय, तू तो बड़ा बेरुपया निकला। हमारा भी एक दूसरा रूप है, देखेगा। झिलमिल नर्सिंग होम में सीआईडी वाले पहुंच गए, वो हमारी सारी छानबीन कर रहे हैं, हमारे बारे में सब पता चल गया है, वो किसी वक्त पहुंच सकते हैं।
मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, बाद में बात करता हूँ। बाबूजी जल्दी बैठो, आर्यन कहाँ है? बोला दादाजी पैसे ले आता हूँ, काम आएंगे। आर्यन जल्दी कर बेटा, बैठ जल्दी। आप लोग कहीं पिकनिक विकनिक पे जा रहे हैं क्या? चलिए ब्यूरो लेके चलते हैं आपको, खाने पीने सोने सबका इंतजाम है वहां पे। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, इस देश में हम औरत को मां बहन बेटी के नाम पे पूछते हैं, उनको सम्मान और सुरक्षा देते हैं, लेकिन तुम लोगों ने चार छोटी मासूम बच्चियों से उनकी जिंदगी छीन ली। ये क्या कह रहे हैं सर आप? नाटक करने की जरूरत नहीं है गजेंद्र, तुम्हारे पापों का सब पता चल चुका है हम लोगों को। कांची के अलावा तुम्हारे परिवार में चार और बच्चियों ने जन्म लिया था, उनको जीने नहीं दिया तुम लोगों ने। लेकिन सर कांची तो हमारे घर की बच्ची है और हम सब उसे बहुत प्यार करते हैं सर। हाँ, वो बच्ची कांची इसलिए बच गई क्योंकि उसका जन्म जीतू के साथ हुआ था, वो दोनों जुड़वा थे। सर ये सब बातें आपको कैसे पता चली? तुम लोगों के पापों का सबूत यहाँ तुम्हारे बगल में खड़े हैं, ये जीवन और ये डॉक्टर। क्यों जीवन, तुम्हारे घर में जो बच्चों के पायल मिले थे वो इन लोगों ने दिए थे ना तुम्हें, हाँ बख्शीश के तौर पे इनके पापों में इनका साथ देने के लिए? क्यों? जी सर। तो फिर एक जोड़ी पायल रुद्रा के कबर्ड में क्यों रखी तुमने? सर इनके किए हुए पाप में मैं अकेला नहीं फंसना चाहता था, फिर रुद्र भैया ने मुझे धमकी दी थी, इसीलिए सबूत के तौर पर एक पायल इनके कमरे में रख दी। तो पुलिस के पास जा सकते थे, हमारे पास आ सकते थे, हमें क्यों नहीं पता? सर हॉस्पिटल से रिकॉर्ड लेकर के पुलिस के पास जाने ही वाला था, तब तक पता चला कि रुद्र भैया और ऋषभ का खून हो गया, इसलिए। अच्छा, गुनाह करने के इतने दिनों के बाद आत्मा जाग उठी तुम्हारी है? इस देश को हम लोग भारत माता के नाम पे पूछते हैं, लेकिन तुम लोगों ने तो अपनी माँ को भी शर्मिंदा कर दिया। जीने का हक नहीं है तुम्हें, तुम्हें तो फांसी ही होगी। कांची बेटा आपने तो कुछ खाया ही नहीं, थोड़ा सा खा लो। ठीक है मैं खिला देती हूँ, लो। मुझे भूख नहीं है। अरे हमारा कांची बेटा कैसा है? How are you? खाना खा रहा है? अरे वाह, अरे कांची खाना खा रही है, हम भी खाना खाएंगे, मुझे भी बहुत भूख लगी है। क्या हुआ कांची बेटा, आप खाना क्यों नहीं खा रहे? हाँ कांची को कुछ और खाना है क्या? कुछ और खाना है तो दया अंकल को बोल दो, अभी जाके ले आएंगे। क्या चाहिए आपको, कुछ तो बोलो, क्या हुआ? मेरा खाने का मन नहीं है। कांची को भूख ही नहीं है। अरे कोई बात नहीं, मैं तो खाऊंगा, पेट में ना चूहे दौड़ रहे हैं। चपाती। थैंक यू सो मच। ये खाना कितना तीखा बना तुमने। तीखा सर? सर मैंने तो मिर्च डाली नहीं सर। मिर्च? मिर्च की पूरी टोकरी उलट गई है इसमें। इतना तीखा खाना कैसे बना सकते हो यार? काशी खा के देखो कितना तीखा खाना बना इसमें, मेरा तो मुंह जल रहा है। माय गॉड। नहीं अंकल थोड़ा भी तीखा नहीं है। देखा थोड़ा भी तीखा नहीं है। अरे हाँ खाना तो तीखा नहीं है। तो अब आपने शुरू कर ही दिया है तो ये प्लेट में जो कुछ भी है ना ये सब खत्म करना पड़ेगा आपको। चीटिंग की आपने।
चीटिंग, अरे बच्चों से अच्छा काम करवाने में थोड़ा बहुत चीटिंग चल जाता है। ये लो। हाँ? खाओ बेटा। क्यों बेटा, खा क्यों नहीं रही हो? अरे क्या हुआ, क्यों रो रही हो? मेरे पापा मुझे कभी भी ऐसे नहीं खिलाते थे। अभी हम लोग हैं ना, कांची बेटा मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, जवाब दोगे? मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दे। अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करती, कभी नहीं। तूने मेरा हिसाब अपने ऊपर ले लिया। चाची बच्चा तूने कल रात मुझे छत पे देख लिया था ना? चाची मैं आपको बचाना चाहती थी इसीलिए, लेकिन नहीं मेरा बच्चा नहीं, मैं तो खुद अपना गुनाह कबूल करने वाली थी। चलिए आपको अपनी गलती का एहसास हुआ तो अच्छा हो सर, आपने सब सुन लिया। हाँ कांची ने नहीं, मैंने मारा है अपने पति और मंजले जैन जी को। और क्यों नहीं मारती मैं उन्हें? उन्होंने मेरी मासूम बच्ची को मुझसे अलग कर दिया। दो दिन की थी वो, हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया। कौन सी बच्ची? पाले में लेटा हुआ मुन्ना। मुन्ना मेरा बेटा नहीं है, उसे तो मेरे पति और चेची ने अनाथ आश्रम से उठा के मुझे दे दिया था। उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि जुबान संभाल कर बात कर, नहीं तो क्या करोगे? चुप करो, चुप, ये सब क्या देख रहा हूँ मैं? तुम लोग किस लिए आई हो यहाँ? क्या काम है तुम्हारा? जाओ यहाँ से। काजी मुझे माफ कर दे मेरे बेटा, मुझे माफ कर दे। सब लोग मुझ पे इल्जाम लगाते रहे और मैं खामोश रही, कुछ ना कर सकी तेरे लिए। लेकिन मैं अपनी कब्जी को कुछ नहीं होने दूंगी, मैं तुझ पे आज भी आने नहीं दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी मेरे बच्चे को। छोटी सी बच्ची होके पढ़ा का? मम्मी आप ही कहती थी ना अपने ही अपने को काम आते। घर की बड़ी तो मैं हूँ बेटा, लेकिन तू तो बेटा हम सबसे बड़ी निकली। बहुत बड़ा काम किया कांची आपने। ऐसा काम तो बड़े बड़े नहीं कर पाते। अपनी चाची का इल्जाम आपने अपने सिर पे ले लिया हैं? अंकल रिंकू चाची को भी ना थोड़ी सी सजा दिलवाए। जरूर बेटा, हम पूरी कोशिश करेंगे। अंकल मैं भी बड़े होकर पूर्वी आंटी की तरह सीआईडी ऑफिसर बनूंगी। जरूर 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 सीआईडी ऑफिसर बनना, तुम एक बहादुर बच्ची हो और सीआईडी में तो बहादुरों की ही जरूरत होती है।
तुम जरूर सीआईडी ऑफिसर बनोगी।